कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मुस्कुराते होंगे। कोकोनट छास, कच्ची कैरी छास, पाइनएप्पल छास, कैरेट छास, पुदीना छास, बीटरूट छास एंड सबकी रिक्वेस्ट पे बना हुआ रेस्टोरेंट स्टाइल बूंदी वाले मसाला छास। अलग अलग छह तरीके की कैसे छास बन रही है। अच्छा देखिए, अभी आपके पास मिक्सी का जार है, मिक्सी का जार लीजिए। मेरे पास ये बुलेट है तो मैं उसमें बुलेट मशीन में कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पुदीना लिया है। पुदीने को आप जो सिर्फ पत्ते होते हैं ना, हमें वैसा लेना है पुदीना छास के लिए। इसकी जो डंडियाँ आती हैं हम उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। मैं ये करीबन आधा कप जितना पुदीना डाल रही हूँ। पुदीना छाछ के अंदर जितना आप पुदीना लेते हैं उतना ही आपको धनिया लेना है। इससे छाछ का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए, ये मैं जितना मैंने पुदीना लिया है मैं उतना ही धनिया ले लेती हूँ और टेस्ट के हिसाब से मिर्ची। मैं थोड़ा सा इसे स्पाइसी बनाती हूँ इसलिए मैं इतनी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आप स्पाइसी या तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्ची का नाप कम कर सकते हैं। और एक छोटा टुकड़ा अदरक का वो मैं डाल देती हूँ। पहले हम ये सारी चीज़ों को एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़े से बर्फ के दाने और बेटा मेरे को थोड़ा पानी दे दीजिए आप। इसमें दे दो आप। बस बेटा थोड़ा कर दे। इसमें मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालेंगे हम। 1/4 कप जितना ही डाला है और इसे हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही बन के ज़्यादा हम ग्राइंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट हो जाए इसमें। एक तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूंगी। ये घर का दही है, मैं वो ले रही हूँ। दोस्तों बहुत ही बढ़िया पुदीने की खुशबू आ रही है। और इसी के अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा नमक हम कम डालेंगे क्योंकि हम काला नमक संचल पाउडर डालने वाले हैं, तो थोड़ा नमक संभाल के डालेंगे। संचल पाउडर और भुना हुआ जीरे का पाउडर। सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। एक चम्मच देना। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। अगर आपको कंसिस्टेंसी और पतली चाहिए तो आप पतली भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी, ये देखिए, अगर ये थोड़ा सा पतला, मेरे को छाछ ऐसी थोड़ी पतली पसंद है। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा दही और डालिए, पानी नहीं डालिए। अगर आपको पतली पसंद है तो इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। हर एक के घर में जैसे पसंद किया जाता है आप बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बर्फ के टुकड़े, और इसके ऊपर मैं ये छाछ डाल देती हूँ।
थोड़ा भुना हुआ जीरे का पाउडर, हमारी पुदीना छाछ बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना कितना अमेजिंग है ये। देखिए ग्रीन कलर, अमेजिंग पुदीने का जो कलर है वो इसमें आ गया है। कितना ब्यूटीफुल, कितना लवली, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है एंड इसको पीने में बहुत मज़ा आता है एंड ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया रेसिपी है। अभी हम बना रहे हैं बीट रूट छाछ। ये बहुत ही हेल्दी रिफ्रेशिंग छाछ तैयार होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बीट, ये एक ग्लास का नाप आपको मैं बता रही हूँ, मैंने इतनी साइज का एक छोटा सा बीट लिया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। अभी हमारे घर में ना रोज बीट खाया जाता है, तो हम क्या करते हैं आधा किलो जितना बीट एक साथ में बॉईल कर लेते हैं और फिर बॉईल किया हुआ बीट उसे फ्रीज में रखते हैं, वो दो तीन दिन अच्छे से चलता है। तो इस प्रकार से आप स्टोर करके भी जब भी आपको रेसिपी में यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बीट को मैंने इस प्रकार से चॉप कर लिया, इसके छिलके निकाल लिए और उसको चॉप कर लिया है। ये बॉइल्ड है, हमें कच्चा नहीं लेना है, ये बॉइल्ड बीट लेना है, वो मैं डाल देती हूँ। अगर आपने कच्चा लिया ना तो क्या होता है उसका जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं आता जितना आप बॉइल करके लेंगे उसमें आएगा। इसके अंदर ये बहुत तीखा नहीं होता, तो इसके अंदर सिर्फ आधा ही मिर्ची डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो छाछ है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, एक्चुअली मैंने बोल में थोड़ा ज़्यादा लिया है लेकिन इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा, करीबन समझ लीजिए ना 1/4 कप जितना थोड़ा सा धनिया डालना है। और पहले हम बर्फ़ डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे। और मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी जिससे बीट अच्छे से ग्राइंड हो, करीबन 1/4 कप जितना, ज्यादा नहीं डालना है पानी। पानी में इसे बॉईल करती हूँ, कुछ भी नमक वमक कुछ नहीं डालती हूँ। कई लोग डालते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं ऐड, मैं सिर्फ प्लेन ही इसे बॉईल करती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से ये प्यूरी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 कप दही डालूंगी। ये जो भी मैं आपको नाप दे रही हूँ ना, ये बड़े ग्लास होते हैं ना, उसके नाप के बनेंगे आपके छाछ। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा हम संभाल के डालेंगे नमक क्योंकि हम इसमें ब्लैक सॉल्ट, सेंट्रल पाउडर, ये भी सॉल्टी होता है ना, तो ये भी डालेंगे। इसकी वजह से नमक हम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ऐड करेंगे और भुना हुआ जीरा बहुत ही थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा नहीं चलेगा। इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया ये हमारी छाछ रेडी हुई है। ये छाछ थोड़ी सी गाढ़ी होती है, नॉर्मल हम जो बनाते हैं उससे ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी। अच्छा ओके ठीक है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए पहले की छाछ से थोड़ी सी गाढ़ी होगी ये क्योंकि हमने इसमें बीट रूट ऐड किया है, बारीक कटा धनिया, चाट मसाला वगैरह भी डाल देंगे
और ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बीट रूट की छाछ बनके तैयार है। देखिए मैं थोड़ा सा पास ले आती हूँ, बीट रूट छाछ अमेजिंग, बढ़िया लग रहा है। ये दोनों को बाजू में रखते हैं, क्या बढ़िया कलर्स लग रहे हैं दोनों के, देख सकते हैं आप। अच्छा अभी देखिए, ये रेसिपी बनाने के लिए ना मैंने ये गाजर लिए हैं। अभी अगर लाल गाजर आ रहे हैं तो आप रेड गाजर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मुझे ये वाले मिले हैं। ये करीबन मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इतना गाजर था वो मैंने उसका बीच वाला हिस्सा निकाल दिया, और केवल जो बाहर वाला हिस्सा होता है हमें वही लेना है, क्योंकि जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको ज़्यादा खाने से हमें पित्त हो जाता है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। ये मैं जार में डाल देती हूँ। इसके साथ बहुत ही छोटा सा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है। इसमें अदरक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही पड़ेगा। चार से पांच बर्फ के टुकड़े, इसमें थोड़ा सा मुझे पानी दे देना बेटा, इसमें बाद में दे देना। 1/4 कप पानी, हाँ बेटा गन। और इसे मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए इस प्रकार से बहुत प्यारा इसका रंग तैयार होता है। इसमें हम डालेंगे 1 कप दही, और इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। चाट मसाला हम करीबन इतना सारा डालेंगे, करीबन आधा 1 टीस्पून जितना, और नमक इसमें बहुत कम जाएगा। चाट मसाले से हमें बहुत ही कम नमक डालना है, क्योंकि चाट मसाले में स्ट्रॉन्गली नमक होता है, तो इसमें हम नमक थोड़ा कम डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है, इसे हम ग्लास में डालेंगे। डाल देते हैं थोड़ा, जितना ये चिल्ड होगा उतना पीने में मज़ा आएगा। बारीक कटा पुदीना, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना सजाने के लिए हम डालेंगे। हमारा कैरेट का छाछ बनके तैयार है। मेरी फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बना, मेरे घर में भी पसंद है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये बहुत पसंद है। तो जो हमारा नारियल पानी आता है, फ्रेश कोकोनट, टेंडर कोकोनट हो, उसकी मैंने मलाई ली है। ये 1 कप मलाई है, ये करीबन 1.5 नारियल का मलाई होगा। हमने 2 नारियल मंगवाए थे, उसमें से ये इतना निकला है। तो ये कोकोनट मलाई है, जो फ्रेश कोकोनट मलाई आती है वो ली है मैंने, वो इसमें डाल देती हूँ। इसके अंदर मैं डालूंगी बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ इतना ही, ज़्यादा नहीं डालना है। धनिया डालेंगे बेटा, इसको खोलना। ये मैगी का कोकोनट पाउडर है, ये हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये सीधो है ना, हाँ
ये आपको बहुत ही आसानी से कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किराना स्टोर, सुपरमार्केट में मिल जाएगा। तो ये जो आप मुझे खोल के देंगे बेटा, ये हम एक टेबल स्पून डालेंगे जिससे जो छाछ है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। आपको टेबल स्पून दे देंगे और अति दे देंगे नीचे भी शुरू। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये एक टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बदले में डेसिकेटेड कोकोनट या ये कुछ मत डालिएगा, नहीं तो वो टेस्ट बिगड़ जाएगा। अगर आपको ये मिले तो आप यही चीज डालिएगा। और इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ। और 1/4 कप पानी डाल देती हूँ। इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। बेटा दही कड़क नहीं थोड़े पड़े। और इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा नमक जाएगा, बिल्कुल नमक इसमें कम रहेगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे और बाकी कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर ये जो मिर्ची है, ये हम लोग कई बार मिर्ची लेके आते हैं वो लाल हो जाती है ना, वो हम इस पे डालेंगे। इसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही मस्त दिखती है और टेस्ट में भी बढ़िया लगती है। ये बिल्कुल ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और बहुत ही थोड़ा सा हम पुदीना ऐड कर देंगे। हमारी कोकोनट की छाछ बनके तैयार है। तो देखिए, मैंने ये फ्रेश पाइनएप्पल लिया है। अभी देखिए, फ्रेश पाइनएप्पल के साथ अगर हम काम करते हैं तो क्या होता है, इसे आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। मतलब आपने बना दिया, ऐसे 3-4 घंटा स्टोर कर दिया, फिर आप अपने जो भी फैमिली है उनको सर्व वैसे नहीं कर सकते, कि कड़वा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद ना, ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो ये छाछ के लिए जब भी आपके फैमिली को आपको सर्व करना है तभी आप तुरंत बना के सर्व कीजिए। ये करीबन 1 घंटे तक अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद अगर पाइनएप्पल बहुत पुराना है आपका घर में लाया हुआ तो क्या होगा, ये कड़वा हो जाता है। तो इसके साथ थोड़ा सा आप जल्दी ही बना के सर्व कीजिएगा। मैंने ये फ्रेश पाइनएप्पल लिया है। प्लीज़ आप इसमें 10 पाइनएप्पल मत यूज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मीठा होता है। तो हम इसमें फ्रेश पाइनएप्पल का उपयोग करेंगे। मैंने ये करीबन 1 कप पाइनएप्पल लिए हैं। अभी पाइनएप्पल का जो बाहर का हिस्सा है वो लिया, जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम निकाल देंगे, वो नहीं यूज़ करेंगे। ये मैं डाल देती हूँ बर्फ़ के टुकड़े। अभी देखिए, मेरे पास आज पाइनएप्पल क्रश नहीं है, वो ख़त्म हो गया मेरे घर पे। तो मैं इसके अंदर पाइनएप्पल इमल्शन डाल रही हूँ जिससे इसका स्वाद थोड़ा और कलर अच्छा आएगा। पर अगर आपके पास
पाइनएप्पल क्रश है तो इसमें एक टेबलस्पून पाइनएप्पल क्रश डालिएगा, इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। मैं इसके अंदर करीबन आधा टीस्पून, जितना ज़्यादा नहीं डालेंगे, इमल्शन मतलब जिसमें कलर और एसेंस दोनों साथ में होते हैं उसे इमल्शन कहते हैं। मैंने इसमें हाफ टी स्पून इमल्शन डाला है, 1/4 टीस्पून जिसमें कलर है, 1/4 टीस्पून इसमें पाइनएप्पल एसेंस है, वो हम डाल देंगे। और इसके साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। पाइनएप्पल है तो इसे थोड़ा अच्छे से हम चर्न करेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, इसका खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है फ्रेंड्स। अब मैं इसके अंदर करीबन 1 कप जितना मैं दही डाल देती हूँ। थोड़ा सा मेरा ये कलर, चाट मसाला हो चुका है बेटा। ये देखिए अभी ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। बारीक कटा पुदीना, पुदीना बहुत ही थोड़ा सा, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के लिए डालेंगे। हमारा पाइनएप्पल छाछ बनके तैयार है। और फ्रेंड्स मैं सॉरी भूल गई, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, वो मैं थोड़ा सा भूल गई। हेजू ने मुझे याद करा दिया कि आप भूल गए मम्मा ये डालना। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल छाछ बनके तैयार है। अभी हम बना रहे हैं कच्ची कैरी का छाछ। ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट मेरा, मैं कोकोनट छाछ के बाद सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होती है। अभी देखिए इसके अंदर जो कच्ची कैरी लेनी है, जो तोतापुरी आती है जो बहुत ही खट्टी कम होती है, हमें वैसी वाली लेनी है, जो बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत खट्टी वाली कैरी आप नहीं लीजिएगा इसमें। इसमें तोतापुरी का ही जो खट्टापन जिसमें कम होता है वैसी वाली हम लेंगे। मैं इसके अंदर करीबन समझ लीजिए ना, एक चीर होती है छोटी सी, तो ये 1/4 कप जितनी है वो मैंने ली है, जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है, उसे मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। और इसके अंदर मैं आधा मिर्ची, बहुत बड़ी मिर्ची वाली मिर्ची नहीं है, थोड़ी छोटी वाली है, वो डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। धनिया, ये 1/4 कप जितना धनिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ, 1/4 कप पानी। और इसे ग्राइंड कर लेंगे।
कर दी। अब देखिए मैं इसमें हमेशा शक्कर डालती हूँ, पर अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे और देखिए बहुत ही साइलेंट टेस्ट आता है शुगर का, आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ, बहुत ही साइलेंट टेस्ट आएगा इसमें। एक कप दही, सॉरी मैं भूल गई, नमक डालेंगे, नमक डाल देते हैं अभी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और संचल भी डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये अदरक के जूलियंस कट किए हैं वो डाल देंगे। पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, और मैं हमेशा ये बूंदी डालती हूँ इसके ऊपर, थोड़ी सी ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। भुना हुआ जीरे का पाउडर, देखिए जार ले लेना है, इसमें मैं अदरक ले लेती हूँ, ये करीबन आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। इसके अंदर हम डालेंगे बर्फ, या तो आप अदरक ग्रेट करके भी ले सकते हैं, मेरे पास अभी पीसेस हैं तो मैं वो यूज कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी, कड़ा भी हो जो, हाँ, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर डाल रही हूँ एक कप दही। मैंने जो भी आपको नाप दिए हैं वो एक बड़ा ग्लास होता है, उतने नाप की आपकी छाछ तैयार होगी। इसके अंदर हम डालेंगे संचल पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर बहुत कम जाएगा, हाँ, और मरी, खुल तो बेटा, और काले मिर्च का पाउडर, वो भी बहुत ही मतलब साइलेंट टेस्ट आना चाहिए, 1/8 टीस्पून, एक चुटकी जितना ही जाएगा। हमें लेना है बारीक कटा हुआ धनिया, ये करीबन 1 टेबलस्पून जितना मैं डाल रही हूँ, और हरी मिर्च, मेरे से एक्चुअली ज़्यादा पतली नहीं काटी जा रही, लेकिन आप इससे थोड़ा सा और बारीक काटें तो अच्छा रहेगा, ये मैं डाल देती हूँ, ये आपके टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है, और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर ग्लास, सॉरी,
पहले बेटा। बस 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 बेटा, बटर पीस का बेटा थोड़ा सा बर्फ डाल देंगे और ये छाछ को डाल देंगे। ऊपर ये बूंदी डालेंगे। भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा संचल पाउडर डाल देंगे। आपकी बूंदी वाली छाछ बन के तैयार है। ये रहे एक से एक बढ़िया छाछ, कोकोनट छाछ, कच्ची कैरी छाछ, पाइनएप्पल छाछ, कैरेट छाछ, पुदीना छाछ, बीटरूट छाछ एंड सबकी रिक्वेस्ट पे बना हुआ रेस्टोरेंट स्टाइल बूंदी वाले मसाला छाछ। देखे दोस्तों, इतनी सारी वैरायटी छाछ की आपको सिर्फ एक ही जगह पे देखने मिलेगी, मनीषा बरानीज किचन में।